बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बात रखे। तो इसी दुआ के साथ हम आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यूट्यूब चैनल पर नसरुल्लाह भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। की हो रहा जी? कुछ भी नहीं, बस कुछ कपड़े हैं, इन्हें शिलिंग करके रखना है जो सीज़न के एंड पे, जिस तरह मैं हर साल लेके रख लेती हूँ ना, मतलब लोन के। तो आप गांव में थे, मुझे घर बैठे बैठे कोई काम नहीं चल रहा था कि मैं बक्से वगैरह खोलने चल जाती थी। कौन कौन सी चीज़ें मैंने खरीदी हुई हैं, कौन कौन सी, मतलब लोन वगैरह क्या रख देते हैं तो मौसम के निकालते हैं। तो मैंने कहा कि शिलिंग करके रखेंगे, जो माया वगैरह होती है ना कपड़ों में, फिर खत्ते हो जाते हैं। अगर शिलिंग करके रखेंगे तो फिर कपड़े खत्म नहीं होते। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि इनको शिलिंग करके रखते हैं। तो दूसरी बात ये कि ये देखें, ये मोबाइल की सारी सेटिंग खराब जो थी, किसी से भी ठीक नहीं हुई, तो उमर ने ये सारा काम कर दिया। माशाल्लाह, बच्चों के बहुत जहन है, बहुत जहन होते, बिल्कुल ऐसे ही। तो उमर ने ये सारी सेटिंग ठीक कर दी। अच्छा, बस सारे फंक्शन थे जो आगे पीछे हुए थे। नहीं, इधर है ही नहीं थी, सिर्फ ये एक लैंप थी छोटी सी, ऐसे सारी बिल्कुल ठीक कर दी है। माशाल्लाह, मार को जमीन अल्लाह तआला जिंदगी तंदुरुस्ती दे। अच्छा, मैं कपड़े दिखाती हूँ कौन कौन से खरीद के रखे हुए हैं। तो इसके बाद हमने बहुत जल्द शादी शॉपिंग करनी है, फटाफट गाँव वाला काम निपटा लें। तो मुझे मुझे ना अभी इंतज़ार नहीं हो रहा कि सब शॉपिंग कर रहे हैं, हम बैठे नहीं। वो भी काम जो है वो भी ज़रूरी है, जरूरी तो है, बस शादी के बाद कर लेना। नहीं, ये इतनी पंडे बन के रखी हुई हैं, ठीक है ना? मुझे तो पता नहीं आपने बक्सों में जो है ट्रंक में क्या क्या चीज़ रखी हुई है। मैंने तो पहली दफ़ा देखी है ये इतना सामान आप रखा हुआ है। तो फिर शादी की शो अभी भी बाजार जाना है? ये लॉन के कपड़े तो मैंने शादी के पहने। सही है। अच्छा जी, ये दो दिन पहले कि मैंने ठीक के रखे हैं, काफ़ी बहन भाइयों ने मुझे कहा था कि आप अभी स्टिच नहीं करें, ख़राब हो जाएंगे, तो अगली गर्मियों को स्टिच कर लेना, क्योंकि महंगे सूट हैं, फिर ये सिलाई करके ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए ना, सही। इस तरह ये वाला लीज़ा ब्रांड का मैंने लेकर रखा था, यही कीमत लिखी हुई है ना इसकी, बिल्कुल ऐसी है, 2950 रुपये का। तो ये भी सेम इसी तरह का ही है। ये देखिए, चलिए खोल के दिखा दें, शीलिंग तो करना ही। हाँ, खोल के दिखा दें। जी आप इस तरह करें कि दिखाएं, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा। इतने सारे कपड़े पड़े हैं तो मैं दिखा रही हूँ, ये ना कहना कि इतने ज़्यादा कपड़े इसमें लिए हैं, ये एक एक दो दो करके खरीदे, मैंने सिलाई नहीं किए थे। अच्छा, क्योंकि आप शादी पे भी जो कपड़े लेने हैं ना, तो फियाज भाई कह रहा था आपने भाई अभी कौन सा रोज़ शादी करनी है, अच्छे अच्छे कपड़े बनाए भाई, अब पता चले कि दूल्हे की बहन नहीं है। मैंने कहा भी भाई मैंने तो अच्छा जोड़ा खरीदना था, मेरी ख्वाहिश भी थी, लेकिन मैं कहा मुझ पर तो सजेगा नहीं। मैंने कहा मैंने तो बैठे रहना ना, मुझे भी अच्छा लगेगा कपड़ा। मैंने कहा वैसे मैंने खरीदना था, मेरा इरादा था, अगर आप दो तीन माह बाद शादी करते ना, मैंने कहा फिर आप देखते मेरी तैयारी। मैंने कहा आप मैं कपड़े नहीं इतने अच्छे लूँगी जो उनसे मेरे पास पड़े हैं, वो रेशमी भी मेरे पास दो तीन सूट पड़े हैं, वो भी किसी वीडियो में दिखाऊँगी, एक वीडियो में इतने ज़्यादा कपड़े तो नहीं दिखाऊँगी। तो मैं कहती हूँ वही सिलाई करवा लूँ, जो हरून की शादी पे लिए थे वो भी मेरे पास पड़े हैं, वो भी मुझे फिट नहीं आएंगे, पूरे नहीं आएंगे, वो भी कभी खुले करें तो फिर भी ख़राब हो जाएंगे। तो मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो मैं क्या करूँ? अगर मैं न्यू कोई अच्छा जोड़ा लेती हूँ, वो भी मुझे इतना खुला सिलाई करवाने को दिल नहीं करता, फिर कहता कुछ नहीं होता, आप लें कपड़े लें अच्छे अच्छे। मैंने कहा आप भाई ले लें, मैंने तो नॉर्मल ही कपड़े खरीदने हैं। अच्छा चलें, बाज़ार जाएँगे पता चल जाएगा। मैं ऐसे कहती हूँ, बाद में मेरा पता नहीं चलता, जब मुझे कोई अच्छा सूट या कोई चीज़ पसंद आ जाए फिर मैं ख़रीद लेती हूँ, फिर मैं नहीं देखती। तो चले, बातें बहुत सारी होगी, साथ साथ ये तो दिखाते हैं, देखे हुए तो हैं मेरे बहन भाइयों ने, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ये तो दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है। अच्छा, एक बात है कि हर चीज़ ना आप अच्छे तरीके से संभाल के रखती हैं, बिल्कुल। मैं अच्छा कपड़े लेती भी हूँ ना, तो मैंने कभी ये नहीं किया अभी सारे सिलाई करके एक ही बार में पहन के। ये पैपिंग भी मैंने इसके साथ दुपट्टे को भी लगानी है,
और कमीज को भी लगानी है, ये भी मैंने खरीद के पहले से रखी हुई है। ये शिलिंग तो करने ही खोल ही लेते हैं, बाद में इनकी तय करके रख लेंगे। बिल्कुल, तो मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा था। तो ये देखिए इसके साथ, मुझे तो ये है कि पाइपिंग इतनी, जिस जैसे कहें ना, बनी इस सूट के लिए, बिल्कुल ऐसी है। ये देखें ना जितने कलर, ये देखें जितने कलर सूट में है ना, ये देखें ब्लू भी है, येलो भी है, पिंक भी है, सारे कलर इस पाइपिंग में, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये फ्रंट साइड है, प्यारा है, कलर बहुत जबरदस्त है। और ये बैक साइड सही है। मैं तो कहता हूँ सिलिंग करके सिलाई करके रख दो। नहीं, सिलाई नहीं करेंगी, जिस तरह के मतलब यानी फिटिंग होगी उस हिसाब से सिलाई। इसके बाजू देखें कितने प्यारे हैं। सलवार है, ठीक है, अच्छा, मुझे ना लाइट कलर से ज़्यादा मुझे डार्क कलर चाहिए। वो तो मैं सोच रही हूँ, वो तो मैं जानता हूँ। ये लैस इस दुपट्टे को और कमीज को लगाने के लिए मैंने रखी हुई है, तो ये भी दुपट्टा बहुत ही प्यारा है। बस इतना कि ठीक है, ज़्यादा नहीं खोल नहीं, बस ठीक है, सही है। अच्छा मैं, हम ना बहुत ज़्यादा जो है वो देखने वाले बहन भाई ने मुझे कहा कि आप इस तरह करें कि एक सूट और ख़रीद देना, तो ये तो आप वलीमे पे पहने जो मैंने बरात के लिए सिलाई दिया है, ठीक है ना, के लिए पहनने के लिए नहीं थी। हाँ, तो देखने वाले बहन भाइयों ने ये कहा है कि आप इस तरह करें कि एक सूट काफ़ी नहीं है, एक सूट और लें और साथ कोई शेरवानी वगैरह भी लें। सच वो क्या कहते हैं उसे, जैकेट या वास्केट कहते हैं, वो भी ख़रीद लेना साथ। तो वो भी मैं अभी शॉपिंग करूँगा क्योंकि सर्दियाँ आ जानी हैं, तो सर्दियों में तो फिर ज़रूरत होगी, तो इस वजह से जो कह रहा था, मुझे तो समझ नहीं आई मैं किस तरह के कपड़े लूँ। मैंने कहा जिस तरह के मर्जी खेले ना, ठीक है, मैं हर किसी को अपना अपना फिक्र है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखने वाले बहन भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि भाई एक सूट काफ़ी नहीं है, तो हम तो ज़्यादा, मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, लेकिन हम इसलिए थोड़ी सी कंजूसी इस वजह से करते हैं कि हम जो है ना वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक जो है ना छोटा सा घर बनाएंगे, तो इस वजह से हम ये सारा कुछ, ये जो कपड़े हैं ये सुमेरा ख़रीदती है या जो है ये इसके पास है, ये कभी सिलाई करके कभी कभी बिल्कुल ऐसे कभी जी गर्मियों का बिल्कुल ऐसे, ये इसकी अम्मी ने दिया है कोई ना उस दिन गाँव, मैंने कहा अम्मी मुझे ना अक्सर इतना पसंद है, बहुत प्यारा। अम्मी कहती मैंने दूसरियों को लेके दिए हैं, आपको नहीं अभी लेके दिया, अच्छा वो सूट रख लें, पैसे मैं दे दूँगी। सही है, जैसे कि ये सूट मुझे अम्मी ने मतलब दिया है जी। अच्छा भी तो चले, ये भी सूट बहुत अच्छा है, प्यारा है, काफ़ी बहन भाई ने कहा था ये लाइट कलर आप ही रख लें, ये बहुत ही प्यारा और अच्छे मतलब बहुत अच्छा ब्रांड है जी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी बहुत प्यारा है। ये फ्रंट बैक किस साइड से है? ये मतलब फ्रंट है ना, अच्छा, इधर गला बनेगा, अच्छा, ये घेरा बनेगा, सही, तो बैक साइड इसकी जो है वो प्रिंट ही है, अच्छा, ये देखें, सही, अच्छा, ठीक। ये वाली बैक साइड और बाजू है, ये अगली गर्मियों को सारे सिलाई करेंगे, जो इस गर्मियों में मैंने किए हैं तकरीबन मैंने सारे पहन लिए हैं, तो वो दोबारा अगली गर्मियों में जब आप पहनेंगी तो जो माशाल्लाह हमारा तो ये जो दो शर्टें हैं छोटी छोटी मैंने खरीद के रखी हैं, देखिए ये अपन की हैं, ये शिलिंग करके रखी हुई हैं, सही है, ये भी ठीक है। तो ये जो आपने मुझे सालगिरह पे दिया था ये अम्मी ने दिया था, बस इस तरह फिर कपड़े जमा हो जाते हैं, सिलाई जो नहीं की है, बिल्कुल, तो ये भी दिखा दूं कि रहने दूं? नहीं, सालगिरह पे दिखाया तो था। हाँ जी,
ऐसे ही दिखा देते हैं, एक ये शीलिंग करना है। सही है। तो अदन की शर्ट रहती है साथ दिखाने वाले। चलें ये अदन की शर्ट दिखा दें। अदन ने अपनी डब्बे में डाल के रखी है पहले। ये अदन की भी अच्छी ब्रांड की शर्ट है, गुल अहमद। बिल्कुल। ये अदन के वसन में सिलाई करके दूंगी। मैंने कहा था बढ़िया शर्ट तो खराब हो जाएगी, अदन थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर कपड़ा ज़ाया नहीं होगा। मैं तो कह रही थी मैं सिलाई कर लूँगी, मैं रखे थी आप बहुत तेज आप कर देंगे, अदन और को सिलाई करके देना। मैंने कहा अदन छोटी सी है, इतना कपड़ा ज़ाया होगा। सही है। अच्छा कलर अम्मी को भी बहुत पसंद आया था ये, इसके साथ अगर ये वाइट शलवार इसके साथ हो जाए ना। नहीं ये भी प्यारी लगेगी। एक ही ट्रोजर बंदा बना ले, इसके साथ भी पहन ले, इसके साथ भी। नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा विजय, जो मेरी अगली गर्मियों की शॉपिंग है वो मैंने दिखा दिया। मैं अक्सर ही ऐसे करती हूँ कि सीज़न के एंड पे लॉन की खरीद के अब रखे हैं, तो जब सर्दियों का सीज़न ख़त्म होगा तो फिर मैं एक दो सर्दियों वाले खरीद के रख लेती हूँ। तो जिस तरह मैंने पिछले साल सर्दियों वाले दो तीन खरीद के रखे थे, वो भी मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में दिखाऊँगी। तो एक ही वीडियो में इतने ज़्यादा कपड़े नहीं मैं दिखाऊँगी। तो इन्हें अब शिलिंग करते हैं, फिर इन्हें पैक करेंगे, इन्हें अच्छे से संभाल के रख लेंगे। तो जब शुरू शुरू में सीज़न में लॉन का सीज़न हो या सर्दियों वाला कपड़ा हो, वो बहुत महंगा होता है। इस तरह ये सारे मैंने मुनासिब कीमत के ख़रीद के रखे हुए हैं ना, तो यही सूट बाद में कम से कम हज़ार रुपया 500 रुपया महंगा मिलता है, तो वही बचत हो जाती है, तो इसलिए मैं ख़रीद के रख लेती हूँ। ठीक है जी, आप इन्हें क्लोज करें, आप इन्हें क्लोज़ करें। बहुत अच्छा आपने समझदारी का मुजाहरा किया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अगर आप कुछ चीज़ें संभाल के रखती हैं तो चलो कुछ काम आ जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त। ये शर्ट हमें रन की थी, ये मुझे अम्मी ने किया था, ये अदन के पापा ने मुझे किया था, ये तीन गिफ्ट हो गए। तो ये दो सूट जो हैं ये मैंने अपने सिलाई के कपड़ों की। ठीक है, ज़बरदस्त जी। इसी के साथ हम मेहनत बंदा करता है तो वो काम आ जाती है, अच्छे कपड़े बंदा ले लेता है और कुछ भी नहीं लेता। सही। अच्छा भैया, आपको बहुत जल्दी आपने गांव जाना है तो मैंने कहा मेरे साथ एक वीडियो बनवा के जाएं ताकि मैं इसे सेट करके, मैंने ये काम बिल्कुल छोड़ा हुआ था, जिस तरह के वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था जब से ये घर होते थे। तो अब मैं दोबारा कोशिश कर रही हूँ, मैं तो अब अपना चैनल ही अलग बना रही हूँ, मेरा है। नहीं आप बना लें अपना चैनल बना लें जी। अच्छा भाई, देखने वाले बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर सुमेरा अपना अलग चैनल बना रही है तो फिर इसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। देखने वाले बहन भाई भी तो कहते हैं ना सुमेरा व्लॉग क्यों नहीं बनाती। सही। तो मैं बस अपना चैनल बना लूंगी, मैं उस पर खूब मेहनत करूंगी। अच्छा तो मेरे साथ नहीं मेहनत होगी? साथ भी तो करवाती हूँ, मैंने किस जगह पे आपकी मदद नहीं की ये बताए। सही है, ठीक है जी, चले जी। बहुत सारी बातें होगी तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं पूछूंगी अपने बहन भाइयों से कि मैं अपना अलग से चैनल बना लूँ, तो फिर मैंने चैनल किसी मकसद के लिए बनाना, मैंने कुछ लेना है। सही है, यानी इसका मकसद ये है कि ये जो इनकम आती है ना ये मैं रख लेता हूँ। ठीक है ना, आप ही रखते इस इनकम से तो घर के खर्चे, मतलब सब कुछ इसी से होता है, तो जो मेरे चैनल की इनकम होगी ना उससे बहुत अच्छी चीज लेंगे। चलो जी, ठीक है, ये अभी नहीं बताऊंगी, ये वक्त आने पे अगर चैनल चल गया फिर बताऊंगी। ठीक है, चलें ठीक है, अब देखने वाले बहन भाई से इजाजत लेंगे। सही, इसका नहीं, इसका मतलब ये होगा कि जैसे हमारा करती है आप मुझे फिर कोई सीन कहते हैं, ये कहना है कि ये अच्छा सीन मैं अपनी वीडियो में रखूँगी। नहीं, सही है, चले। ये एक मैंने पैरट सूट यहाँ डुबो के रख दिया, अदन की शर्ट इस प्रात में और एक सूट इसमें। अब ये सूखने के लिए डालते हैं, तो फिर एक सूट जो जे बचा हुआ है बाद में शिलिंग करते हैं, पानी में थोड़ी देर भिगो के रखेंगे फिर सुखाने के लिए डाल देंगे। अच्छा भी कपड़े शीलिंग करके मैंने तार पे डाल दिए हैं, अब सूख जाएंगे तो फिर उतार के इन्हें तय लगा के पैक करके किसी ट्रंक वगैरह में रख देंगे। सुबह से मैंने भिगो के रखे हुए हैं। ये कपड़े सारे मैंने शीलिंग करके अब पैक करके तो अब रखती हूँ इन्हें
सेफ में या किसी ट्रंक में।